जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, स्वागत है आप सबका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिलीज और फ्रेंड सर्कल में मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं जावरी बाईपास से। बाईपास है, यहाँ से रोड डाइवर्ट हो जाती है, जो नीचे वाली रोड है जिस पे हम अभी जा रहे हैं, ये केदार घाटी के लिए जाती है, बाईपास का काम करती है। रुद्रप्रयाग शहर नहीं जाना पड़ेगा आप सबको, रुद्रप्रयाग से पहले ही आप लोग डाइवर्ट हो जाएंगे केदार घाटी के लिए और आपको ट्रैफिक फेस नहीं करना पड़ेगा। जो ऊपर वाली रोड है वो आपकी बद्रीनाथ धाम को जाती है, रुद्रप्रयाग शहर के बीच से होते हुए। बाईपास को क्रॉस करने के बाद आपको पूरे रुद्रप्रयाग घाटी का सिनेरिक व्यू देखने को मिलता है, जो भी आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप जो नीचे देख रहे हैं ये संगम पॉइंट है, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का यहाँ पर संगम स्थल है, उसके बाद अलकनंदा नदी आपकी श्रीनगर घाटी को चले जाती है। देवप्रयाग के बाद सफर को जारी रखते हुए जो अगला प्रयाग देखने को मिलता है वो है रुद्रप्रयाग। देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग की दूरी 67 किलोमीटर के लगभग है, 67 किलोमीटर। यहाँ पर मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से आ रही है और अलकनंदा नदी जो कर्णप्रयाग से आ रही है, इन दोनों का संगम होता है। संगम स्थल पर गंगा जी का मंदिर है और रुद्रनाथ का मंदिर है, भगवान शिव भोलेनाथ का। यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर कोटेश्वर महादेव का प्राचीन पौराणिक मंदिर है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। बद्रीनाथ रोड पर रुद्रप्रयाग शहर स्थित है, यह डायवर्जन पॉइंट बोल सकते हैं आप इसको। यहाँ से एक रोड केदारनाथ को धाम को ले चले जाती है और एक रोड आपकी बद्रीनाथ कर्णप्रयाग के लिए चले जाती है। रुद्रप्रयाग को आप सेंटर मान सकते हैं सारे टूरिस्ट प्लेसों का। यहाँ से चोपता, तुंगनाथ, केदारनाथ कहीं भी आप जा सकते हैं, अपनी प्राइवेट व्हीकल में या बस या जीप सुमो के माध्यम से। हमारे भारत में नदियों के संगम को बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि हम नदियों को देवी का रूप मानते हैं। तो आज की वीडियो इसी पे बनाई गई है। तो दोस्तों मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।